फिल क्लियर कर दो। अरे सही है, यही सही था। अरे सही था यहाँ पे, यही सही था। अरे बर्न हुआ वही पे सही था। अरे बर्न हो रहा है पीछे, ये शायद सही था ना। सब रिफ्लेक्ट हो रहा है यार। क्या गाना देखा मुक्ति जी? राइट, हम ये वाला मोबाइल अभी यहाँ पे भी देखिए। आइए मैम, मैम आइए। हाँ बोल। हेलो, बारिश आने वाली हाँ वैसे वैसे अब यहाँ पर लुक देखा। अच्छा ये फ्रिज में थी बस बस ज़्यादा मत गिर जाए। यहाँ पे भी दिखा दिया। It's a cool song and a very sweet song just like this. Yeah, happy Vasajna to us. Happy Vasajna to us. अम्मा नहीं मतलब हाथ देना पाते हैं तू करे। Yes, lovely. Thank you. नहीं नहीं अम्मा नहीं ले ले दोस्तों। सबसे पहले वाह सजना की मैं बात करूँ, काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग है। बट सबसे अच्छी बात मुझे पूरे सॉन्ग में एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो फर्स्ट लाइन आती है, जो एक फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, वो लाइन के बारे में सबसे पहले जिक्र क्या कुछ करना चाहूँगा। मिरर देख के बात करूँ? कहाँ देखो, एक बार शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले गाने की मैं बात करूँ वाह सजना, सबसे अमेजिंग बात वाह सजना की है कि जो पहले लाइन आई उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहूँगा। तो आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट द कोटेशन जो वीडियो में आता है, मेरे ख्याल से कि वो एक रेफरेंस देने के लिए ऑडियंस को कि व्हाट द कैरेक्टर इन द वीडियो इज गोइंग थ्रू। और सिर्फ वो कैरेक्टर ही नहीं, हम भी उस दौर से कभी कभी निकलते हैं। सो इट सेज ऑफन when you're lost in life, often when you feel lost in life, you just have to listen to your inner voice and you will find yourself. तो कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े अपनी मंडेन ज़िंदगी में थोड़े थक से जाते हैं, हार मान लेते हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो उस टाइम हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनना चाहिए, अपने आप से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, अपने आस पास से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और तभी हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाएंगे और जो खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमें अपने अंदर ही मिल जाएगी। सो वो हमने जान के शुरू में एक कोटेशन डाली है सो दैट लोगों को एक जिस्ट मिल जाए इस गाने के बारे में। इनर वॉइस आपके लाइक आप इस लाइन के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे?
आई थिंक इनर वॉइस बहुत हैवी वर्ड लगता है वैसे सुनने में लगता है अरे ये अंदर से कहाँ से आएगी आवाज़ एंड हाउ डू यू फाइंड इट बट वी ऑल वेट फॉर दैट स्पार्क दैट वन यू नो साइन वन इंडिकेशन एंड आई ट्रूली बिलीव इन लाइक देर आर सम डेज आई वाज लाइक क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है एंड आई डू वन थिंग वेर आई जस्ट ओपन अ बुक एंड माई फादर राइट्स अ लॉट अबाउट यू नो भगवद गीता और वो गीता के बहुत सारे श्लोक का उन्होंने ना एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सो आई जस्ट ट्राई एंड ओपन इट एंड आई वेट फॉर अ साइन एंड आई रीड इट एंड दैट्स द साइन दैट मे बी आई नीडेड टू हियर दैट्स द लेसन आई नीडेड टू नो अबाउट माई सेल्फ सो मैं आई कंप्लीटली काम डाउन सो दिस इज अ वन थिंग दैट आई डू बेसिक बट लाइक दिस आई थिंक देर आर सो मेनी पीपल हु वेट फॉर अ साइन वेट फॉर अ स्पार्क वेट फॉर अ मैसेज वेट फॉर समथिंग सो दिस सॉन्ग इज अबाउट not waiting but about recognizing that spark right. that there is a sign around you all you need to do is just keep your eyes and your ears open to it and you will find that inner joy जैसे कि आपको सूफी की सुल्ताना कहा जाता है और आप तो है ही डांस के दीवाने लेकिन जब दोनों मर्ज हुए कि जब दोनों मर्ज हुए तो फैंस को तो काफी अच्छा उसका आउटपुट मिलेगा लेकिन आप दोनों कितना एंजॉय किए एक साथ आपने कितना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है पहले तो सो स्वीट सोच के रखी थी डांस की दीवानी और सूफी की सुल्ताना ये है हमारी कहानी इसीलिए आपको ये दिख गया हमारा अंदाज भी है सूफियाना है ना बहुत ही मजा आया जब ये गाना ऑडियो कंप्लीट हो गया था और मैं एक दिन सुन रही थी और फिर हम मैं और मेरे हस्बैंड मनकीत जो मैं कहूँगी इज द फोर्स बिहाइंड दिस सॉन्ग मुझे पुश करने वाले वही हैं कि लेट्स मेक दिस बिग एंड यू नो इस गाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अब गाना तो बना लिया अब जब बात म्यूज़िक वीडियो की आती है तो ऐसा कौन है जो इस वीडियो में आए और इसको जस्टिस कर सके और इसको और खूबसूरत बना सके तो बस एक ही चेहरा एक ही नाम मेरे जहन में आया मुक्ति मोहन का क्योंकि मुक्ति जैसे वो दिल से है ना वो उनके चेहरे पे वो नूर आ जाता है जैसे कि आवाज़ की भी ये बात होती है अब जैसे इंसान हैं वो आपकी आवाज़ में झलकता है वो सच्चाई या वो अच्छाई जैसे आप इंसान हैं वो आपकी आवाज़ में आ जाती है और एक्टर्स की बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें उनके चेहरे पे उनकी पर्सनैलिटी में आ जाती है तो हमें ऐसा एक चेहरा चाहिए था जो हमारे सूफियाना गाने को कॉम्प्लीमेंट करे और उसको और खूबसूरत बना दे सो हु बेटर देन मुक्ति मोहन और बस एक फोन किया था एंड शी वाज ऑन बोर्ड सो थैंक यू पैने फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मतलब हर्षदीप कौर जी काफी मतलब फेमस सिंगर है इनकी आवाज सुनने के लिए तो लोग तरसते हैं क्योंकि इनकी आवाज काफी यूनिक है तो आपको कैसा लगा इनके सॉन्ग को परफॉर्म करते हुए बिफोर परफॉर्मिंग आई थिंक जितने भी गाने सुने हैं जब भी इनको जाना है और इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है और जिस गाने में इनकी भी शुरुआत हुई थी करियर की उस मतलब उसी एल्बम में मेरी बहन का भी गाना था तो मेरे लिए ना बियॉन्ड एनीथिंग एल्स आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ द जर्नी एंड आई एम ऑलवेज टच्ड बाय हाउ डिवाइन शी इज़ एंड हाउ यू नो हाउ मेनी पीपल शी इज़ इंस्पायरिंग हाउ मेनी पीपल शी इज़ मूविंग हाउ मेनी पीपल शी इज़ हीलिंग थ्रू हर म्यूज़िक एंड इट्स रियली इंस्पिरेशनल एंड आई थिंक अगर आप ऐसे दौर में जहाँ पे यू नो बहुत सारे सिंगर्स डिपेंडेंट होते हैं टू अ फिल्म रिलीज और यू नो समबडी एल्स गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीज और टू एक्चुअली बी द वॉइस इन इन एन एल्बम खुद का म्यूजिक बना पाना खुद का गाना रिलीज करना वीडियो रिलीज करना और उस पर मतलब शी वॉज इन्वॉल्व इन एवरी थिंग एंड टू एंड फ्रॉम वॉट कलर you know leaves will be what color black white maroon to adding colors to yes. the voice to the visuals and Shubh Mukherjee ne direct kiya hai music video so beyond anything else to get the entire team aapko ek core ek beej lagta hai you know ek ped banane ke liye bhi aur usko seedhna padta hai aur Mankit ji ne jaise matlab in every conversation in every way to make sure that how the video should be made how the audio should be until the very end like adding you know flavor to the master to also being like ye zyada rich hai and this kind of passion is not easy to get yes. I don't think anybody understands ye iske liye koi nobody is actually paying you to do this you are putting in your 100%
योर मेंटली फिजिकली इमोशनली साइकोलॉजिकली सूफिया यू नो सूफियाने अंदाज में भी आप इन्वॉल्व हो टू गिव समथिंग टू द ऑडियंस जो उनको मिला नहीं है जो आज मिल सकता है यू नो तो दिस लेवल ऑफ कमिटमेंट इफ आई गेट रिसीव अ कॉल फ्रॉम समथिंग लाइक you know this bahut zyada tareef kare I'm so blessed to be a part of this and I think itna pyara lagta hai na this whole you know our sisterhood our bond is so special and also like hunar ki godmothers hain hum log and we also constantly feel this kind of an inspiration where we are self made hum line mein lage the reality shows ki, you know we'll never forget where we came from what family background we are you know we are representing and the families that we want to cater to you know the music that we want to cater to the dance the visuals that we want to give people and it has to be rich it has to be classy it has to be representing India in the right way you know so ye gana itna pyara hai itna matlab soulful hai aur usko ek kahani ke zariye mein dikhana aur itni inspiring journey अपने एक ही गाने में दिखा देना दे देना और मुझे ये फीलिंग कराना आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन तक भूल चुकी हूँ बिकॉज़ आई एम ऑनेस्टली आई एम लविंग एवरी खो चुकी है आप जोन में जा चुके हो पूरे बिकॉज़ ये गाना आपको जोन में भेज देता है एक बार गाना इन फैक्ट आप इनको शूट पे अगर देखते तो शी वाज टोटली इन द जोन एक दो बार आई थिंक आपको चोट भी लगी थी एक शुरू का सीन है जहाँ कांच बिखरे हुए हैं एंड वो भी उनकी लाइफ बिखरी हुई है अपनी लाइफ को समेट रही है तो मतलब मुक्ति ने लिटरली खून पसीना बहाया इस गाने के शूट पे बट इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था वो इतनी अपनी डांस में अपनी परफॉर्मेंस में इतनी इन्वॉल्व थी कि उनको कोई होश नहीं थी कि उनको चोट लग गई है या उनको दर्द हो रहा है शी वाज सो इन्वॉल्व्ड यस इनके एक्सप्रेशन से भी हाँ लुक सेंटर में है अच्छा अरे वो बात करें ना तो फिर कैमरे में देख के हाँ चलो तो हम आपसे बात करेंगे जैसा आपने कहा कि आपके हस्बैंड आपके जो काफी आपको पुश करते हैं और आप एक इंटरव्यू में आप बोले थे कि जो आपकी शादी हुई है जी वो किसी मूवी से रिलेट करती है हम ना बचपन से ही हम बड़े मूवी हम बचपन से ही बड़े फिल्मी रहे हैं मैं मुक्ति को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हमारी आई थिंक जो जनरेशन है ना हम बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर होते थे तो हमारी लव स्टोरी ऐसे नहीं कि मूवी की वजह से बनी है हमें प्यार एक दूसरे से हो गया था बट एक कहते हैं ना वो रियलाइजेशन जब होती है तो वो रियलाइजेशन मुझे हुई थी हम मैं और मन की एक बार एक गुरुद्वारे गए थे हमारे बॉम्बे का एक गुरुद्वारा है गुरुद्वारा चार बंगला उधर हम मिले थे और हम बस चुपचाप ऐसे बैठे थे मथा टेक कर एक दूसरे के साथ बैठे थे तो सडनली मुझे वो एक फीलिंग आई कि तुझ में रब दिखता है वो जो गाना है हमारा शाहरुख खान का गाना है जो तो वो गाना मेरे जहन में चलने लग गया रब ने बना दी जोड़ी का तो मुझे लगा कि शायद ये एक साइन है कि भगवान ने मेरे लिए यही एक सोलमेट भेजा है तो बस वहीं से शुरुआत होगी सीन भी गुरुद्वारे में थे ना उसमें भी वो गुरुद्वारे से जब वो गोल्डन टेंपल में वो चल के आ रहे होते हैं सूरी और अनुष्का शर्मा देख के कहती हैं यस ही इज द वन तो वो मेरे लिए भी वो रियलाइजेशन पॉइंट था ये, और ये जो गाना है आफ्टर लाइक आफ्टर 90 डेज समथिंग आया है काफी वक्त लगा इतना वक्त कौन सा वाला गाना 90 डेज आफ्टर 90 डेज आफ्टर 3 मंथ जो लास्ट वीडियो था 3 मंथ पहले आया था नहीं मैं जाना कब आया था तो मेरा लास्ट सिंगल था अब तो मतलब हमारे सीए से भी अच्छे होते नहीं 90 डेज में पेमेंट आ रही आपको 90 डेज में सॉन्ग दो महीने पहले एक और गाना आया था मेरा हाँ वो एक लंबा वक्त लगा दो महीने तो बड़ा छोटा वक्त है गाने बनने में सालों लग जाते हैं तुम फटाफट निकाल दिया हमने तो दूसरा गाना ये आप ना बिल्कुल यू आर एक्टिंग लाइक अ रिलेटिव अगला गाना कब आ रहा है बताओ है ना इसके लिए मैं फैंस के अकॉर्डिंगली पूछता हूं तो लास्ट जो गाना था वो दो महीने पहले आया था इट वाज कॉल्ड नी मैं जाना जोगी दे नाल वो बहुत ही प्यारा एक वेडिंग सॉन्ग था और वो मैंने किसी लेबल के लिए गाया था वार्नर म्यूजिक के लिए और रवि सिंगल का म्यूजिक है और ये जो गाना है ये हमारी खुद की प्रोडक्शन है मेरे अपने लेबल से रिलीज हुआ है तो दोनों ही गाने मुझे बहुत प्यारे हैं लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्यारा है क्योंकि इसमें हमने पूरी टीम ने मिलकर इस गाने को बनाया है और ये मेरे ही लेबल पे मेरे यूट्यूब चैनल पे हमने लॉन्च किया है मुक्ति आपसे सवाल रहेगा मेरा जैसे हम देखते हैं जो स्टार्टिंग फेज जो रियलिटी शोज आप जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे रियलिटी शोज के लाइनों में लगते हैं बाद में रियलिटी शोज आपको मिले फिर ऐसा सीरियल भी मिला जो रियलिटी जैसा ही था
अब जब हम देखते हैं इतनी फैन फॉलोइंग आती है, इतने लोग आपको मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पे, हाउ डू यू सी व्हेन यू लुक बैक उस दिन को और आज का दिन, किस तरह से आप देखते हो? मुझे आज भी लगता है मैं लाइन में ही लगी हूँ. That's our humility. And I constantly feel that I'm always able to and capable of learning more. Right. I'm never going to be like, हाँ मुझे आ गया अब तो मैंने कर लिया, अब तो वो शो जीत लिया था ना तो मैं ये बन चुकी हूँ. I don't think I can ever be somebody who has been achieved like, yeah, I've done it. मैं हमेशा से acting, dancing, performer बनना और अपने सारे मतलब जितनी भी चीज़ें करनी ना मुझे प्यार से करनी, मुझे खुद के डर को भी जीतना है, शायद इसलिए मैंने फियर फैक्टर भी कर लिया था. क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव दैट इफ यू डू इट विद लव यू कैन डू एनीथिंग एंड नॉट ओनली बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ बट मैं इफ आई कैन आई कुड कम थर्ड इन द एंटायर राजस्थान, इफ आई कुड कम फर्स्ट इन यू नो माई क्लास, आई कुड सिंग, डांस, एक्ट, स्विम. सो आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट रियलाइज आई थिंक आई एम like I'm always learning and I can do anything. I can literally do anything from stunts to everything. So beyond this, आपके साथ वो fans जो शुरुआत से थे वो जुड़े हुए हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आप ये भी करते हो, आप ये भी करते हो, but we still love you. Yes. आपके family का video देखते हैं, we love you. And this kind of love is not blood like you know related or something which is even आपने कभी मिले भी नहीं उनसे, but उनका connect हमेशा है. Like how you were talking about ki premiere se pehle bhi there were some people they were waiting. Doing a countdown, they were waiting for the song to come, you know. This kind of a love only comes as a blessing. I think wo jab aap kuch din hote hai na jab aapko lagta hai kuch nahi ho raha hai, pata nahi kya hoga, us time pe I think aapki blessing collect ho rahi hoti hai in form of a cloud. Wow. And then it showers, and the way it showers, no, it has the best, like God has the best plan. So wahi छोड़ा हुआ है एंड आई थिंक दोस फैंस आर देयर, दे आर ऑलवेज ब्लेसिंग एंड लविंग. डू यू बिलीव जो हम कहते हैं ना हेल्दी कंपटीशन, वो पहले से जो घर पे हेल्दी कंपटीशन काफी है, वो हमेशा से रहा है. बल्कि अरे तुम तो सेम लगते हो. हाँ. ये तो मम्मी पापा भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कितनी बार की, अरे ये कौन किसने किसकी ट्रॉफी आई थी. इनफैक्ट भाई बहन एक दूसरे के सबसे ज्यादा बड़े क्रिटिक होते हैं. हाँ. तो सबसे पहले गलतियां अपने भाई बहन ही निकालते हैं और इसलिए और बेटर करने का एक वो मिलता रहता है. आपको किसने ज्यादा लाइक किसने ज्यादा रिव्यूज किए, कोई भी अभी भी कोई? हमारे आई थिंक हेडक्वार्टर ऑफ रिव्यू इज माय फादर एंड नो मैटर व्हाट टू इट्स नॉट सेइंग दैट वी डोंट हैव टू प्लीज हिम बट हिज क्राइटेरिया ऑफ एवरीथिंग इज दैट दिस इज एनीवन एल्स कैन डू इट, व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाट आर यू गिविंग दैट अदर्स हैव नॉट गिवन. सो देन वी समहाउ स्टार्ट फीलिंग लाइक दिस इज अ परफॉर्म लाइक अ प्रोफेशन ऑफ गिविंग. अगर आप क्या दे जाओ और करते की विद्या करते रहोगे रहेगी. तो दिस इन्वॉल्वमेंट कीप डूइंग एंड कीप गिविंग इट गिव्स अस लाइक सो मच इन दैट टाइम यू लिसन टू योर इनर वॉइस. या या एंड दैट्स व्हेन यू लाइक अरे मजे आ रहे करने में और सामने वाले को अपने आप मजे आ जाएंगे. सो देन यू जेन्युइनली फील देयर इज नो बेटर प्रोफेशन देन परफॉर्मिंग आर्ट्स. थैंक यू डन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर दैट. हो तेरी दीद ना सही तेरे जिक्र से ही मैं खुश हूँ, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, जिस हाल में रखे खुश हूँ, तुझे देखने की है चाह सजना, तुझे ढूंढने की नारा सजना, जो मैं ढूंढा मैं के अंदर लिया है तुझको पा सजना, वाह सजना वाह सजना वाह वाह सजना वाह सजना वाह सजना वाह वाह सजना. थैंक यू. Thank you.